चलो गाइस अब डायरेक्ट लंच करेंगे। सी वेज बिरयानी यहाँ पे ना वेज ही मिलता है, इसलिए देखो गंगा किनारा। चलो ये खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे, देन विल गो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं होटल से बाहर निकला तो चलो चलते हैं, आगे प्लान करूंगा मैं कहाँ पे जाना है आज मेरे को गाइस। तो मेरे पास मैप भी है, मैप में देखूंगा, थोड़ा स्टडी करूंगा वो जगह का बारे में, फिर अब लाइक बुक रैपिडो ओला हाँ तो फिर चला जाएंगे। ओके गाइस, तो चलो मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ना मेरा चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हाँ गाइस चलो चलते हैं। सो गाइस मेरा बाइक आ रहा है अभी, मैंने बाइक बुक किया है, सो आई एम गोइंग टू सारनाथ टेम्पल। तो वो भाई को कॉल किया अभी मैंने, ही इज कमिंग, ही इज ऑन द वे। तो चलो गाइस देखेंगे कैसा है ना वो जगह। चलो भैया आ गया मेरे को लेने के लिए। भैया आपका नाम क्या है? दीपक अवस्थे। अच्छा चलो भैया लेके जाएगा ना, कौन सा टेम्पल है वो? सारनाथ टेम्पल। तो चलो गाइस, बनारस में भी बाइक राइड हो गया भैया, अच्छा चला रहे बाइक पूरा यूं 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 यूं। देखिए बनारसी का जैम, सारनाथ आ गया तो यहाँ पे भैया मिला मेरे को, भैया मेरे को गाइड कर रहा है, हम दोनों आप लोगों को सारनाथ घुमाएगा ना जी। अच्छा तो भैया जी जो आप मंदिर देख रहे हैं ना, ये सारनाथ का बुद्धा का मेन मंदिर है। अच्छा। इस मंदिर का नाम है मूल गंध कुटी विहार। अच्छा। मूल माने स्थाई, गंध माने सुगंध। अच्छा। कुटी माने झोपड़ी। अच्छा। श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अनागारिक धर्मपाल 1891 में माँ बोधि सोसाइटी का स्थापना किया और 1922 में आकर के 1931 में मंदिर को बना के तैयार किया 9 साल में। अच्छा। उस समय मंदिर 70,000 रुपया बनकर तैयार हुआ। अच्छा। मंदिर में अंदर बुद्ध का प्रतिमा है स्टोन पत्थर का, उसमें गोल्ड पॉलिश है, उसी के नीचे अंदर ग्राउंड है जो चांदी बॉक्स में बुद्ध के अस्थि रखा है, यहाँ पे हड्डी यहाँ पे हाँ, जो साल में एक दफे ओपन होता है कार्तिक बुद्ध पूर्णिमा नवम्बर में, सबको दर्शन कराते हैं। जो जापान के पेंटरों ने 32 से 36 तक 4 साल पेंटिंग किया गया मंदिर के अंदर में, जा सकते हैं अंदर। हाँ, गेट पे घंटा अष्टोदात का 275 किलो का सुबह 4 बजे शाम को 6:30 बजे लकड़ी की राट से बजाते हैं इस घंटे को। अच्छा चलो तो चप्पल खोल के पहले अंदर दर्शन करो, अंदर जाके और अंदर फोटो लेना है तो अंदर ले सकते। ये वाला घंटी है, इसको ना काट से बजाया जाता है। और भैया बोल रहा था यहाँ पे बुद्ध का अस्तु भी है, हड्डी यहाँ पे ना बुद्ध का आर्ट बनाया है जापनीज लोग ने, लाइक पैदा होके उसका अंतिम तक का आर्ट बनाया। सी दिस, एक दिन देखो बीमारी, ये बुद्धा ना देखता है ना ये मरा हुआ लाश को लेके जाता है, बुद्धा को देखता है बीमारी को देख के ना, और वो घर से निकल जाता है। देखिए वहाँ पे चलो गाइस अब बाहर चलते हैं। तो गाइस ये है दूसरा पार्ट यहाँ का, तो भैया बता रहे हैं पीपल पेड़ है बोधि ट्री, बुद्ध को बुद्ध गया बिहार में ज्ञान मिला, उसी का एक शाखा श्रीलंका अनुराधापुरा में गया, अनुराधापुरा में सम्राट अशोक का बेटा और बेटी महेंद्र सुमित्रा एक डाल प्रचार के लिए श्रीलंका ले गए, श्रीलंका से अनागारिक धर्मपाल जी 1931 में सारनाथ में लगाए पीपल पेड़। बुद्ध ने जो सारनाथ में धर्म प्रवचन दिया यहाँ 5 इसका मॉडल बनाया गया है,
ये मॉडल वर्मा वालों ने बनाया 1988 में, जो श्रीलंका के आर के प्रेमदासा ने पूजा दिया ओपनिंग किया। ये पांचों शेष का नाम है अश्वजीत, कुंडली, बप्पा, महानामा, महाभद्या। ये देश विदेश में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ। शीशा के अंदर छोटा छोटा प्रतिमा देखेंगे, 27 प्रतिमा बुद्धा का, 27 अवतार हो चुका जिनको ज्ञान नहीं मिला। 28वां अवतार गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का है, ज्ञान का प्राप्ति हुआ, देश विदेश में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ। ये धर्म चक्र लगाया प्रदक्षिणा के लिए घुमाते हैं। आइए, वो बोल रहे हैं ना, वो प्रेइंग व्हील्स, अच्छा, वो अच्छा। ये वाला हम लोगों का सिक्किम में तासीडिंग मोनास्ट्री में है, ये वाला सेम बेल है, देखिए सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे है प्रेइंग व्हील है, तो थोड़ा अंदर जाएंगे आप तो यहाँ पे भी है, देखिए बेल। तो यहाँ पे बुद्ध भगवान प्रवचन दे रहे हैं, ये है मॉडल। बुद्ध भगवान का स्टैचूस, तो ये है पीपल, उसको ना पूरा बार के रखा है, यहाँ से दिखाई देता है। चलो अब दूसरा तरफ जाते हैं। चलो दादा बोले यहाँ पे एक गांव है, एक गांव है, या बुनाई करता, बनारस साड़ी है, सूट है, दुपट्टा, स्टॉल इधर बनाता है। अच्छा, अभी देख सकता है वो? हाँ, दिखाएगा आपको, क्योंकि मार्केट में जाएगा तो बहुत टैक्स है, खर्चा, महंगा बिक्री करते हैं, कोई टैक्स। अच्छा, चलो देखेंगे। और ये मूर्ति देख रहे हैं ना आप? हाँ, हाँ, भगवान बुद्ध जब लुम्बिनी वन में जब पैदा हुए थे तो 7 कदम पैदल चले थे, उसके पैर के नीचे कमल का फूल खिला था, उसी समय उन्होंने उंगली उठाया कि सबका मालिक एक लिए। ये प्राचीन स्टोन है, स्तूपा में लगाया था, ये मेमोरी के लिए रखा। तपस्या कर रहे थे बुद्ध गया में, पीपल के नीचे, तो उनके शरीर में मिट्टी लग गया था जिसे दीमक बोलते हैं। अच्छा, जब सुजाता का नाम का एक स्त्री थी जो अपना मन्नत माने थे कि अगर हमारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा तो मैं प्रसादी चढ़ाऊंगा या खीर खिलाऊंगा, जहाँ पे महात्मा बुद्ध बैठकर तपस्या कर रहे थे तो ज़्यादा मिट्टी लग गया था। जब सुजाता का मनोकामना पूर्ण हुआ, सुजाता ने अपने दासी से कहा कि दासी जाओ फलानी जगह सफाई करके आओ। जब दासी वहाँ सफाई करने जाती, जो मिट्टी लगा था झड़ जाता, भगवान बुद्ध साफ दिखने लगते हैं। तो दासी वहाँ से दौड़ करके सुजाता के पास में आती, बोलती सुजाता जी प्रसादी लेके चलिए, वहाँ पर तो भगवान बैठा है। सुजाता ने सोचा कि भगवान बैठा है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी खीर पकाया। खीर पका करके जब लेके वहाँ जाती तो भगवान बुद्ध ने सुजाता के हाथ का खीर खाया। खीर खाया तो उसी समय पांचों शिष्य बुद्धगया बिहार में थे। तो जब खीर खाने से तो पांचों शिष्य कन्फ्यूज हो गया कि सोचा कि अपना सुंदर औरत बच्चा छोड़ करके दूसरी स्त्री के मोह ममता में पड़ गए। इसी कारण भगवान बुद्ध 5 शिष्य को छोड़ करके सारनाथ जंगल में या 4 महीना वर्षावास सारनाथ में बैठे। ये हम लोग का सोसाइटी जो पूरे गांव में जो बुनाई होता है ना, इसी जगह से बड़े बड़े बाजार में मार्केट जाता है। देखने का कोई टिकट, कोई पैसा नहीं है, पसंद आए माँ के लिए, बहन के लिए का दो खींच ले जा सकते हैं। चलो अब हम लोग जा रहे हैं ये सिल्क का बुनाई करने वाला जगह में। तो गाइस, द सेलिंग साड़ी यहाँ पे बनाता है, ऐसे सब मशीन होता है। अच्छा, अभी थोड़ा काम मिस्टेक है ना, अभी एक दो दिन में बन जाएगा। अच्छा, हाँ, तो बनारसी सूट साड़ी ऐसी तरह बुनाई होता है। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे लस्सी पियेंगे भैया का पास। चलो देखो लस्सी क्या, देखिए ग्लास, ठीक है ठीक ठीक है ठीक है, चलो हाँ, इट्स वेरी टेस्टी। तो गाइस आई एम गोइंग बैक टू घाट नाउ, यहाँ पे हो गया साइट सीन, अब जाएंगे घाट में, भैया आ गया लेने के लिए। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, चलो चलते हैं। बहुत गर्मी है गाइस, इसलिए मैंने ना ये पहना है, ना तो ना पूरा जल जाएगा, सनबर्न हो जाएगा ना, इसलिए। ये है गोदलिया मार्केट, यहाँ पे लाइक यू कैन डू मार्केटिंग ना, कपड़ा वपड़ा मिलता है, इवन स्ट्रीट फूड्स एंड ऑल। इवनिंग को आएंगे गाइस यहाँ पे, देखो
यू कैन डू योर शॉपिंग, सस्ता है यहाँ पे। मैंने यहाँ का मार्केट में ज़्यादा जैसे देखिए साड़ी और ये कुर्ता वगैरह है, देखिए यहाँ पे भी। एक्चुअली ये बनारस इज़ फेमस फॉर सिल्क, नो सिल्क के लिए फेमस है ना, इसलिए। अब मैं यहाँ से घाट जा रहा हूँ गाइस, मुझे बनारस में सबसे अच्छा जगह ही घाट लगा। घाट कितना मज़ा आया, कल मेरा दोस्त को भी मिलने जा रहा हूँ, दैट कैरेलियन गाय। आई थिंक वो ध्यान में होगा, मेडिटेशन कर रहा होगा ना। अब उसका साथ बैठ के बात बात करेंगे, अगर इफ ही इज इंटरेस्टेड नो तो हम दोनों घूमने आएंगे यहाँ पे ही। तो गाइस छोटा सा पंडित जी, हेलो, हाय, कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं दादा सुमेर घाट। हाँ, पंडित का पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, वेद। अच्छा, वेद कर रहे हो? हाँ। अच्छा अच्छा, पढ़ाई करना, ठीक है, ठीक है, बाय महादेव महादेव। नाउ आई एम गोइंग टू मणिकरण घाट, अभी मणिकरण घाट में जा रहा हूँ। वहाँ पे भी ना डेड बॉडी वगैरह जलाता है। एक्चुअली यह बनारस का ये घाट का सबसे बड़ा वो डेड बॉडी का बर्न करने वाला जगह है वो मणिकरण घाट। चलो, बहुत गर्मी है, अब रास्ता में थोड़ा गंगा में ना डुबकी भी मारेगा। चलो गाइस, अब पानी में डुबकी लेगा, बहुत गर्मी हुआ। उफ, चलो गंगा में नहा लिया, अब जाएंगे मणिकरण घाट। अभी फ्रेश लग रहा है, कितना गर्मी है, मज़ा आया पानी में बैठा एकदम आराम से। चलो अब जाएंगे आगे। तो ये है ललिता घाट, इवन लाइक वो नेपाल का होगा शायद टेम्पल। यस यस यस, वो नेपाल का टेम्पल है। चलो अंदर जाते हैं, यहाँ पे लिखा है हिस्टोरिकल नेपाली टेम्पल। अच्छा चलो देखते हैं जाके। सो सी दिस, वेलकम टू नेपाली टेम्पल। गर्मी है बहुत, थोड़ा सा गंगा में ना नहाया ना तो थोड़ा फ्रेश हुआ। सो यहाँ पे ऐसा स्टाइल में है। यहाँ पे है नेपाल का राजा है ना। अच्छा यहाँ पे है, देखिए तो कितना अच्छा बनाया है, इसका अंदर भी है राजा वगैरह। यहाँ का ये रात को खुलेगा, इवनिंग। अच्छा अच्छा, कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है ना। अच्छा, चलो वहाँ पे जाते हैं राउंड मारते। तो यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, अंकल का साथ बात कर रहा हूँ। यहाँ आंटी बत्ती बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए, उसला बोला दिन अरे आंटी लाई, जाइए जाइए जाइए, कुछ नहीं होगा, जाइए ना जाइए, डर रहा है। ऐसा है घर एकदम नेपाली स्टाइल। चलो यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे ऐसा है, वो देखो आंटी कुछ कर रहा है। हजुर वीडियो बना सकता था, बिक्री हुन्छ हैन। हजुर चलो अब यहाँ से निकलते हैं। हुन्छ आंटी, गोको तल आंटी, हुन्छ हुन्छ हुन्छ
यता गएको भन्नु पर्यो नि एक मिनट जा रहे बोलेगा अन्त बस्नुहोस् ल हुन्छ फेरि आउँदा आउँछु नि म सिक्किमबाट हजुर हुन्छ है हजुर हुन्छ हजुर हुन्छ गएको आउँछु नि फेरि आयो भने आउँछु यता हजुर खाना खायो नि हजुर हुन्छ हजुर हुन्छ हुन्छ मन्दिरको फोटो खिच्छु नि हुन्छ गएको आमा हुन्छ चलो अब निकलते हैं यहाँ से अच्छा लगा वहाँ बैठा ना चलो यहाँ मंदिर भी खुल गया तो सो यहाँ पे मंदिर है शिव जी का देखिए चलो आप यहाँ से निकलते हैं आप नीचे घाट में चलते हैं ओके हुन्छ भाई ये है विश्वनाथ टेम्पल कल मैं गया था अंदर लेकिन गेट नंबर 3 से गया था ये है गेट नंबर 1 अंदर बैग फोन कुछ भी अलाउ नहीं है इट्स वेरी टाइट सिक्योरिटी गाइस यहाँ मंदिर के अंदर तो चलो अब हम इधर आ गया बर्निंग करने जगह में क्रिमिनेशन सेंटर करण घाट आ गया मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 ठो डेड बॉडी जल रहा है यहाँ पे यहाँ का सबसे बड़ा है ये घाट क्रिमिनेशन का सीधे मणिकरण में सब लकड़ी वगैरह ना बर्न करने के लिए चलो अब यहाँ से अंदर जाते यहाँ पे डेड बॉडी बर्न हो रहा है ये है मणिकरण घाट देखिए यहाँ पे डेड बॉडी